शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज मुर्तजा एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद मुर्तजा। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्लासरूम इंग्लिश फॉर द टीचर्स। तो आई हैव मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर द टीचर्स। ये वीडियो जो है मैंने स्पेशली जो टीचर्स हैं उनके लिए बनाई है, एंड आई हैव स्टार्टेड विद the words of encouragement, appreciation and motivation। और सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो मैंने कौन सा रखा हुआ है, words of encouragement, words of motivation and words of appreciation। तो एक टीचर जो होता है before entering into the class he should know how to motivate his or her students, he should know how to encourage my students, he should know how to appreciate my students। तो students जो होते हैं they are hungry for the encouragement, they are hungry for the appreciation। आप बच्चे को जितना ज़्यादा appreciate करोगे, जितना ज़्यादा encourage करोगे he will perform in a better way। जितना उसको हम discourage करेंगे बच्चा उतना ज़्यादा जो है वो निकम्मा होता जाएगा और उसकी performance जो है that will not be up to the mark। तो एक अच्छा टीचर जो होता है he is always a good motivator, he always encourages his students, he always or she always motivates his students। तो इस वजह से मैंने ये जो वीडियो स्टार्ट किया है मैंने यहाँ से शुरू किया है। आई हैव नॉट स्टार्टेड माई वीडियो कि हाउ टू स्टार्ट द लेसन, हाउ टू एंड द लेसन, हाउ टू मैनेज द क्लास, कि क्लास को मैनेज करने के लिए, क्लास को स्टार्ट करने के लिए, क्लास को एंड करने के लिए आपको कौन से इंग्लिश के सेंटेंसेस चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया है कि हमारा जो टीचर है ही और शी शुड नो कि इन वर्ड्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट यू कैन से वर्ड ऑफ सेंटेंस ऑफ एनकरेजमेंट। अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप किस तरीके से उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हो, चाहे वो उसका ओरल वर्क हो, प्रैक्टिकल वर्क हो या नोटबुक पे उसने कोई काम किया हुआ हो। तो यू कैन यूज सच टाइप ऑफ कमेंट्स, यू नो कमेंट्स कैन मेक अ स्टूडेंट एंड कमेंट्स कैन ब्रेक अ स्टूडेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस इज यू डिड रियली वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया। यू डिड रियली वेल, you can also say what a great job, what a great job, theek ho gaya। you can also write I'm so proud of you, mujhe aap par bahut zyada fakhr hai। chahe usne notebook mein acha kaam kiya to aap comment likh sakte ho I'm so proud of you, theek ho gaya। that's exactly what I wanted, aapne to bilkul waisa kiya jaisa main chahta tha। to english mein aap kaise kahoge That's exactly what I wanted. Okay, next. You can also write fantastic work, great work, excellent, well done, you did a great job. So you can also use these words of motivation, encouragement. कि आप नोटबुक पे अच्छा होमवर्क करके आए बच्चा तो आप वहां भी कमेंट कर सकते हो fantastic work, great work, excellent, well done, You did a great job, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो चाहे वो ओरली आप appreciation देना चाहते हो तो you can say well done, excellent, fantastic। अगर आप written work उसने किया होगा notebook पे आप comments लिखना चाहते हो तो you can write these comments। तो ये वो comment थे जो आपने कब लिखने, जब बच्चे ने बहुत अच्छा perform किया है। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा perform किया है और कुछ अच्छा नहीं किया तो आपने उसको discourage नहीं करना, ठीक हो गया। तो इस सूरत में अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो तो आप किस तरीके से बच्चे को करेक्ट भी कर सकते हो और उसको आप मोटिवेट भी कर सकते हो। तो लुक एट द अदर सेंटेंसेस। ओके, आई वाज जस्ट टेलिंग यू पीपल कि अगर बच्चे की कुछ परफॉर्मेंस अच्छी है कुछ अच्छी नहीं है तो आपने उसको डिस्करेज नहीं करना, करेक्शन करनी है, बट यू शुडंट डिस्करेज द चाइल्ड। एज आई हैव टोल्ड यू कि कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगर बच्चे ने कुछ अच्छा नहीं किया तो आप लिख सकते हो डोंट वरी अबाउट इट, ट्राई अगेन, परेशान ना हो दोबारा कोशिश करो, डोंट वरी अबाउट इट, ट्राई अगेन।
श्योर यू कैन डू अ लॉट बेटर, मुझे यकीन है कि आप बेहतर कर सकते हो, या आई एक्सपेक्ट यू दैट यू कैन डू अ लॉट बेटर, सिंपली यू कैन से आई एम श्योर मुझे यकीन है यू कैन डू अ लॉट बेटर, क्या आप अच्छा कर सकते हो, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, ठीक है, बच्चे ने कुछ अच्छा किया, आप ये कहना चाहते थे बच्चे को कि मैं आपसे ज्यादा की तवक्को कर रहा था, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, आपने ये नहीं कहना यू डिडंट परफॉर्म वेरी वेरी वेल, यू डिड वेरी बैड वर्क, तो दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड, ये वो नहीं है जो आपने किया, जो मैं चाहता था ये वो नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड, डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, हिम्मत नहीं हारो, कोशिश करते रहो, डोंट गिव अप या डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एक बच्चा था वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिर आपने देखा कि उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है तो यू शुड इनकरेज हिम बाय सेइंग यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आप तो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हो, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई वॉन्ट यू टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर हो, आई वॉन्ट यू टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, गुड एफर्ट बट इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, अच्छी कोशिश है लेकिन इसमें अभी भी बेहतरी की जरूरत है, बट इसलिए आप बच्चे को डिस्करेज कर दो कि इट्स नॉट गुड एफर्ट, यू डिडंट डू वेल, यू परफॉर्म वेरी बैड बैडली, तो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स से अवॉइड करें, गुड एफर्ट बट इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, इट इज ओके, ओके आगे चलते हैं, ओके यू कैन ऑल्सो से इट्स नाइस बट यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट, कि आपने जो काम किया है बहुत अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीलियों की जरूरत है, बिलीव मी यू कैन डू इट, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यकीन करो कि आप कर सकते हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव कमेंट्स फॉर द चिल्ड्रन, तो ये पार्ट फर्स्ट है, मैं पार्ट सेकंड थर्ड बनाऊंगा जिसके अंदर आई विल टेल यू पीपल हाउ टू स्टार्ट द लेसन, हाउ टू एंड द लेसन, हाउ टू मैनेज द क्लास, तो आप अगर आप इन इंग्लिश सेंटेंसेस को याद कर लें एज अ टीचर तो आप सारा दिन इंग्लिश बोल सकते हो बाय मेमोराइजिंग दीज सेंटेंसेस, और ये जो आपको मैंने वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट बताए हैं इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड मेमोराइज ऑल दीज, ये जरूरी नहीं कि आपने सारे याद कर लें, आप इसमें से जो आपको अच्छे लगते हैं आप वो याद कर लें, बट एज अ टीचर आई सजेस्ट यू टू यूज दीज पॉजिटिव कमेंट्स फॉर आवर चिल्ड्रन, बिकॉज these comments can play a very vital role in the student's life. Thanks very much indeed for watching the video. Don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you. See you in the part 2. Allah Hafiz. Take care.